सबको मालूम है जब देश में सरकार बनी तो ये वादा किया गया था जनता से कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, 5 वर्ष में 10 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। नौकरियां घट गई क्योंकि जैसे ही नोटबंदी हुई लोगों ने अपनी एक एक दो दो शिफ्ट हटा दी, कई करोड़ लोग देश में बेरोजगार हो गए। तो जनता से झूठा वादा किया गया, तो कम से कम आईना दिखाने का वक्त तो अभी आएगा जब नई सरकार बनने जा रही है, तो बताएं कितनी नौकरी लगाई। नौकरी शब्द कहा था, रोजगार नहीं, नौकरी, नौकरियां नहीं मिली। नंबर 2, किसानों से कहा था पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, तो कर्ज माफ तो हुआ नहीं। आत्महत्या से हजारों किसान पूरे देश में मर गए, सर्वाधिक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मरे हैं, पर उत्तराखंड में भी मरे, आत्महत्या से मरे, मैं खुद गई हूं उनके घरों में। तो इसलिए किसानों से भी झूठा वादा किया गया, कहा गया हम काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए सबके खातों में डाल देंगे। क्या 1 रुपया भी किसी के खाते में आया? ये भी झूठ बोला गया। और जीत कर आए उन्होंने जनता से झूठे वादे किए, तो इन झूठे वादों का को एक्सपोज करने के लिए, इसका भंडाफोड़ करने के लिए हम जन आक्रोश यात्रा, परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो पूरे उत्तराखंड भर में प्रीतम सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष और मैं चलेंगे। हम वो गढ़वाल से शुरू करने जा रहे हैं, हम कुमायूं में 29 से शुरू होगी, शुरू करने के बाद फिर अपने अपने रास्ते चल देंगे। मैं कुमायूं पूरा करूंगी, वो गढ़वाल पूरा करेंगे, फिर वो कुमायूं में आएंगे और हम गढ़वाल में जाएंगे। दोनों लोग दोनों जगह पूरी यात्रा करके इसका समापन देहरादून में करेंगे। देहरादून को सबसे अंत में प्रत्येक विधानसभा में हम जाएंगे, विधानसभा में जो हमारे उम्मीदवार रहे वो भी साथ रहेंगे, जनता को जागरूक करेंगे कि आपसे झूठ बोला गया, अतः आप सजा दी जाए। अब जनता इन्हें सजा दे कि हमसे झूठ बोला और हमें कोई इसका प्रतिफल नहीं मिला। जनता के दर्द को, कष्ट को की आवाज कौन बनेगा? हम लोग आवाज बनेंगे और हम उठाएंगे इसे।